नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे स्पंजी रसगुल्ले। ये देखिए, इस तरह हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कढ़ाई में हमने 1 लीटर काऊ मिल्क लिया है, इसको हम पहले बॉयल करेंगे। ये देखिए, इस तरह हम थोड़ा फ्लेम हाई करके इसको उबाला दे देंगे। थोड़ी देर बाद ये दूध हमारा बॉयल हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इस तरह इसका गर्म भाप निकाल देंगे। यहाँ हमारा गैस का फ्लेम बंद है, इस तरह इसका गर्म भाप हिला के निकाल देते हैं। तो इस दूध को हम फाड़ेंगे, उसके लिए हमने ये पनीर मसाला, इस तरह का बोतल आता है हमारे यहाँ, या आप विनेगर भी ले सकते हो, टाटरी ले सकते हो, फैटकरी ले सकते हो, जो आपके पास एक्शन हो उससे आप फाड़ सकते हो। तो यहाँ हमने इस बाउल में 15 ml तक हमने पनीर मसाला ऐड किया है और साथ में हमने 200 ml तक पानी मिलाकर इस तरह हम थोड़ा थोड़ा दूध में डालते जाते हैं। जब हमारा दूध फट जाए तो हम बस ये मसाला बचा लेते हैं, लेकिन अभी ये फटा नहीं है, ये सारा ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये विनेगर जो होता है फाड़ने के लिए हल्का होता है, चाहे पानी भी ना मिलाएं तब भी फट जाता है, लेकिन ये पनीर मसाला दूध के लिए स्पेशल आता है। इस मसाले से आप जितना मर्जी दूध फाड़ सकते हो, जैसे 1 क्विंटल 2 क्विंटल 4 क्विंटल तक फाड़ सकते हो, लेकिन विनेगर से ज़्यादा दूध नहीं फाड़ा जा सकता। तो इस तरह हमने ये फाड़ के तैयार किया है, ये हमने 1 लीटर दूध फाड़ा है। ये थोड़ी देर हम 10 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद ये सेट हो जाता है। ये देखिए, इस तरह हम निचोड़ के देख लेते हैं, जब हमारा पानी बिल्कुल निकल जाता है, पनीर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है, तब इसको हम छान लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह हम छान लेंगे एक छाननी में मलमल का कपड़ा लगाकर। तो ये देखिए, इस तरह हमने बाउल रख दिया है, उसके ऊपर एक छाननी रख देंगे और इस तरह मलमल का कपड़ा ऊपर हम लगा देते हैं और इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। ये देखिए, या पनीर का ये आप छेना भी कह सकते हो। तो इस तरह हम ये छेना छान लेंगे, उसके बाद मलमल का कपड़ा उठा के ये देखिए, इस तरह हम चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और छेना को उठा लेते हैं इस तरह पोटली बनाकर। ये देखिए, इस तरह पानी निकाल देंगे, जो हमारा डोंगा सा भर गया है ये छाननी भी अलग करते हैं और ये डोंगा का पानी फेंक के दोबारा हम इस तरह रख लेते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा साफ पानी पनीर में ऐड करके दोबारा हम इसको निचोड़ेंगे। ये देखिए, इसमें हम पानी थोड़ा साफ ऐड कर देंगे, उसके बाद में इस तरह जो इसकी खटास होती है पनीर की थोड़ी निकल जाती है, तो इस तरह हम इसका खटास भी निकाल देते हैं और इसको निचोड़ देते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह जब ये निचोड़ जाता है, पानी नहीं रह जाता है, तब इसको हम एक थाल में ऐड करते हैं। ये देखिए, इस तरह पानी हमारा निचोड़ गया, अब इसको हम एक थाल में ऐड कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद हम छेने को मैश कर देंगे। ज़्यादा नहीं मैश करना होता है, बस हल्के हल्के हाथों से इसको मैश करना होता है। ये बहुत सॉफ्ट पनीर होता है, तुरंत ये क्रीमी हो जाता है। ये देखिए, और बहुत सॉफ्ट छेना बनके तैयार हो जाता है। ये वजन में 150 ग्राम तैयार हुआ है। तो इस तरह छेना हमने बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद हम पहले चाशनी बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ हमने कढ़ाई रखा है, मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है, इसमें 2 कप पानी ऐड किया हमने। यमल में 500 ml है और उसके बाद इसमें हम 2 कप ही शुगर ऐड करेंगे। ये शुगर हमारा वजन में 400 ग्राम है और इस तरह हम इसकी चाशनी बना लेंगे। थोड़ी देर बाद ये गर्म होकर मेल्ट हो जाता है, उसके बाद हमारे चाशनी को उबाला आ जाता है और तो चाशनी बनके हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये चाशनी हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद हम एक पतीले में पानी रखेंगे गर्म होने के लिए। ये कम से कम हमने 1 लीटर पानी रखा है, इसमें थोड़ा कम है तो ये हम और डाल देते हैं। तो 1 लीटर पानी हम इसको बॉयल कर लेंगे। जब ये बॉयल हो जाता है तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी चाशनी, जिससे ये मीठा हो जाए। यहाँ हम 100 ml तक इसमें चाशनी ऐड कर देंगे। अब ये हमारे पानी मीठा हो गया, इसमें हम रसगुल्ले को पका के फिर निकालेंगे। ये देखिए, इसमें हम रसगुल्ले बाद में निकालेंगे, इसमें स्पंज हो जाता है ये। यहाँ हम टेस्ट के लिए रूह के उड़ा ऐड कर देंगे, या कोई सेंस भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद में ये देखिए, ये हमारा पनीर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर लगा देंगे।
इसमें हलवाई कुछ भी नहीं ऐड करते, ना सोडा, ना बेकिंग पाउडर, ना कार्न फ्लोर, ना आरा रोड। हमने इसलिए लगाया है, इसलिए कि बीबर्स को बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ये फटे ना, इसलिए हमने लगाया है। वैसे हलवाई कुछ भी नहीं लगाते हैं, ऐसे गोल कर देते हैं। तो इस तरह हमने मिक्स करके और इस तरह पेड़ियाँ तोड़ लेंगे, उसके बाद हम इस पेड़ियों को गोल सा बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारा पेड़िया तोड़ दिया है। उसके बाद में हम दो पीस आपको दिखाते हैं गोल करके, इस तरह हम गोल करते जाएंगे। ये देखिए ये दो पीस हमने गोल कर लिया है, इस तरह गोल करेंगे, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे, हम सीधा चाशनी में डालते जाएंगे। उसके बाद हम पहले चाशनी की ओर चलते हैं, चाशनी हम देखते हैं कैसी है। ये देखिए चाशनी हमारी उबाला आ रही है, इसमें हम रीठे का पानी लगा देंगे। यहाँ रीठे को तोड़ के पानी में भिगोया जाता है, पहले आधा घंटे पहले भिगो दीजिए या एक दिन पहले भी भिगो सकते हैं, तो हमारे रीठे का झग अच्छी तरह इसमें चाशनी में बन जाता है। ये देखिए और इस तरह हम गोली करते और चाशनी में डालते जाते हैं। ये देखिए चाशनी हमारा जितना पानी है उतना ही शुगर इसमें ऐड किया है, और इस तरह ये उबलता रहता है, इस तरह हम डालते रहते हैं। तो इस तरह सारी गोलियाँ हम करके डाल देंगे। थोड़ी देर बाद ये उबाला आता रहता है और रसगुल्ले हमारे फूलते जाते हैं। ये देखिए ये थोड़े थोड़े फूलने लगे हैं, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं जिससे ये अच्छी तरह फूल जाते हैं। ये कवर हमारा थोड़ा सा छोटा साइज का है, इसलिए इस तरह चमचा लगा दिए हैं, तो ये अच्छी तरह कवर रहता है इससे। उसके बाद में ये देखिए ये एक एक पीस अंदर ही हमारा फूल गया, क्योंकि झग हमारा ऊपर से कवर कर लिया। ये देखिए और इस तरह हमारे रसगुल्ले पकते हैं। ये देखिए इस तरह पकता रहता है बीच में, और अच्छी तरह ये फूल भी जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह ये फूल गया, ये देखिए। इसीलिए रीठे लगाया जाता है कि इसे झग से कवर हो जाता है, रीठे से झग बनता है, तो इस तरह ये पकता रहता है। ये देखिए इसको हमें 5-7 मिनट होगा पकाते। अब जब ये इतना टाइम हो जाता है, 7-8 मिनट में रसगुल्ले हमारे पक जाते हैं, उसके बाद में हम ये 50 ml तक पानी लगा देते हैं। इस करछी में 50 ml तक पानी आ जाता है, तो इस तरह हम लगाते रहते हैं। एक दो बार हम इसको लगा देते हैं, जिससे जो हमारी चाशनी है वो पतली हो जाती है और तुरंत हमारे छेने में अब्सॉर्ब कर लेती है। ये देखिए तो इस तरह ये चाशनी भर जाती है। उसके बाद में ये रसगुल्ला हमारा पक जाता है, आधे से ज़्यादा चाशनी में डूब जाता है, तो रसगुल्ला पक के तैयार होता है। तो बाकी हम ये जो हमने पतीले में पानी बॉयल किया था, ये मीठा पानी है, इसमें हम डाल देते हैं सारा रसगुल्ला उठा के। जो मीठा है वो साथ में हमारे करछी के, जो हम करछी उठाते हैं उसमें एक एक रसगुल्ले के साथ थोड़ा मीठा और चला जाता है। तो इस तरह रसगुल्ले पूरे स्पंज और कम मीठा वाला बनता है, पतला पानी में होता है ये। तो ये देखिए इसको ठंडा होने के बाद ये देखिए अच्छी तरह ये पूरा स्पंज है, जितना मर्जी दबा दीजिए सारा निकल जाता है। उसके बाद अगर आप दोबारा इसमें डाल दोगे फिर फूल जाएगा। तो इस तरह के स्पंज रसगुल्ले बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह हम इसको बाउल दूसरे में निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह हम दूसरे में निकालते जाएंगे निचोड़ निचोड़ के, और तुरंत ये फूल जाता है। ये देखिए इस तरह हम निचोड़ निचोड़ के दूसरे बाउल में रख देते हैं, जिससे वहाँ तुरंत फूल जाता है। तो इस तरह हमारे स्पंजी रसगुल्ले बनके तैयार हैं, आप भी इस तरह आसानी से बना सकते हो। उसके बाद ये देखिए अच्छी तरह हमने निचोड़ लिया है, अब इसको हम दिखाते हैं इसमें जालियाँ कितनी पड़ी होती हैं। ये देखिए इस तरह हमने तोड़ दिया, और ये देखिए अंदर से जालियाँ कितनी बनी होती हैं, इसमें हमारी चाशनी भरी होती है। तो इस तरह आप भी बना सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।